Guys and girls, welcome to the last episode, the 10th episode of Portfolio Reveal Series. And जो last company मेरे portfolio में वो हो जाती है Westlife Foodworld, जिसके पास McDonald's की South and West region में franchise है, master franchise है. तो करेंगे इस company के बारे में बात, क्यों मैंने invest किया, कब मैंने invest किया, क्यों मुझे interest आया इस company में. But उससे पहले देख लेते हैं that मेरे portfolio के उतार चढ़ाव क्या थे. And last हफ्ते अगर मैं आप सबके साथ share करूँ, मेरे portfolio के returns 46.28% के आसपास है, जो पिछले हफ्ते भी इसी range में थे, तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुए. And as you can see, जो last company मेरे portfolio में, which is Westlife Foodworld, और ये company मुझे right now मेरे portfolio में 9.91%, मतलब 10% के आसपास के returns दे रहे हैं. So why I was interested in Westlife Foodworld? And यहाँ पर, again, if you go back to the first episode of this series, जहाँ पर मैंने तीन ऐसे प्रकार के businesses share किए थे, जहाँ पर मैं interested होता हूँ अपना पैसा invest करने के लिए. And यहाँ पर, इन तीन में से, I think first प्रकार में वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड उर्फ मैकडोनल्ड्स बहुत अच्छे से फिट होता है, विच इज यूनिकनेस. जो ब्रांड वैल्यू है मैकडोनल्ड्स की, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. मैकडोनल्ड्स इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस, एंड एक बहुत ही अच्छी ब्रांड इमेज सारी दुनिया में लोगों के माइंड में मैकडोनल्ड्स की है. एंड ये चीज इस बिजनेस को यूनिक बनाती है कि मैकडोनल्ड्स का नाम बहुत ही ज्यादा प्रख्यात है. एंड ये तीन प्रकार के बिजनेस में मैं क्यों इंटरेस्टेड होता हूँ, बिकॉज अगर ये तीन क्वालिटीज किसी भी बिजनेस में है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हो जाता है उस कंपनी के लिए. बिकॉज अगर ब्रांड इमेज अच्छी है, तो बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए इस कंपनी के बिजनेस को छीनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. इन दैट्स व्हाई मैं ये इन तीन प्रकार के बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता हूं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट मैंने बाइंग डिसीजन कब लिया. एंड यहां पर अगेन इफ यू गो बैक टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, जहां पर मैंने ऐसे तीन चेकलिस्ट शेयर किए थे, जो तीन चेकलिस्ट को मैं हमेशा देखता हूं जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता होता हूं तब. एंड यहां पर द फर्स्ट थिंग इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट. जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उस कंपनी के पास, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होनी चाहिए. एंड यहां पर अगर हम बात करें, जो QSR सेक्टर है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स है इंडिया में, इस सेक्टर के पास, इस सेक्टर से मैकडॉनल्ड्स इंडिया बिलोंग करता है, वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड बिलोंग करता है. सो इस सेक्टर के पास कितनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, वो हमें देखना जरूरी है. इनफॉर्मल ईटिंग आउट का जो पूरा मार्केट है इंडिया का, वो हो जाता है अराउंड 3.2 trillion rupees के आसपास. वेरी बिग. एंड यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करो, दैट अनऑर्गेनाइज सेक्टर 68% मार्केट शेयर ओन करता है इस पूरे मार्केट का, और ऑर्गेनाइज सेक्टर 32%. सो यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास भी है. नाउ इस पूरे मार्केट में से अगर हम देखें, तो QSR का मार्केट है 10% के आसपास. क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जो मैकडॉनल्ड्स इस सेक्टर से बिलोंग करता है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से बिलोंग करता है. सो यू कैन जस्ट इमेजिन दैट ये मार्केट इन द फ्यूचर नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड में कितने अच्छे से ग्रो हो सकता है. सेकंड डेटा पॉइंट जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना है, विच इज अगर हम कंपेयर करें दैट इंडिया में आउटलेट पर पीपल कितने हैं. व्हाट इज आउटलेट पर पीपल? जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंट्री में 100 लोग रहते हैं और उस कंट्री में सिर्फ 2 मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट है, सो पीपल पर आउटलेट हो जाते हैं 50. सो इट्स लाइक के 50 लोगों के लिए एक मैकडॉनल्ड्स का स्टोर है. नाउ अगर हम कंपेयर करें, तो यूनाइटेड स्टेट्स में 25,000 लोगों के ऊपर एक मैकडॉनल्ड्स का स्टोर है. कनाडा में 27,000 लोगों के ऊपर एक मैकडॉनल्ड्स का स्टोर. अगर हम डेवलपिंग कंट्री से कंपेयर करें, विच इज लाइक थाईलैंड, जहां पर 3,00,000 लोगों के ऊपर एक मैकडॉनल्ड्स का स्टोर है. अगर हम चाइना का एग्जांपल ले, तो 4,00,000 लोगों के ऊपर एक मैकडॉनल्ड्स का स्टोर है. उसी के सामने अगर हम इंडिया की बात करें, तो 28,00,000 लोगों के ऊपर एक मैकडॉनल्ड्स का स्टोर है. सो यहां पर आप जस्ट इमेजिन करो दैट कितनी ज्यादा बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के पास एंड ऑल्सो इस सेक्टर के पास अवेलेबल है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स. सो ये हो जाता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड चेकलिस्ट, विच इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एक ऑनेस्ट एंड कैपेबल मैनेजमेंट होना चाहिए. सो यहां पर मैनेजमेंट को जज करने के लिए फर्स्ट थिंग ये हो जाती है दैट मैकडॉनल्ड्स जैसी बहुत बड़ी कंपनी किसी भी छोटे मोटे प्लेयर को, जिसके पास, जिसमें इंटीग्रिटी ना हो, जिसके ऊपर ट्रस्ट ना कर सके, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मास्टर फ्रेंचाइजी नहीं देगी. सो अगर मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी ग्लोबल जायंट किसी कंपनी के साथ टाइप करता है, किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करता है, सो इट इज अ बिग डील दैट उन्होंने अपना ड्यू डिलीजेंस किया होगा उस कंपनी के लिए. सो ये एक चीज हो जाती है जिससे हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं दैट इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है. सेकंडली, 2016 में उन्होंने एक विजन दिया था दैट 2022 तक हमें क्या सारी चीजें अचीव करनी है. एंड जो सारे विजन उन्होंने दिए थे, काफी सारे उनमें से उन्होंने अचीव किए, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा. तो यहां पर अगर हम देखें, 2016 में उन्होंने कहा था दैट उनको 2022 तक 20 से 25 बिलियन रुपीस के आसपास का रेवेन्यू टारगेट अचीव करना है. एंड उन्होंने एक्चुअल में किया $20.4 billion के आसपास. सो इट इज गुड. सेकेंडली, अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें, सो दे वॉन्टेड टू अचीव हाई सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इन 2020, जो 2016 में
0% के आसपास था. एंड राइट नाउ अगर हम 2022 में देखें तो इट इज 8.5% के आसपास. सो ये भी टारगेट उन्होंने अचीव किया. सिमिलरली अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, एबिटडा मार्जिन की बात करें, तो दे वांटेड दैट 2022 में उनका एबिटडा मार्जिन लो टू मिड टीन्स में होना चाहिए. एंड एक्चुअल में 2022 में उनका एबिटडा मार्जिन 12.8% के आसपास था. तो ये टारगेट भी उन्होंने अचीव किया. नाउ द थिंग इज दैट जिस तरह से 2016 में उन्होंने 2022 का विजन कार्ड दिया था, उसी तरह से उन्होंने 2023 में 2027 का विजन दिया है कि उनको कौन कौन से टारगेट्स अचीव करने हैं. तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो दैट विजन 2027 में व्हाट आर द थिंग्स विच द कंपनी वांट्स टू अचीव. एंड यहां पर बाय द वे इस प्रेजेंटेशन के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो इफ यू वांट आप खुद भी इस प्रेजेंटेशन को चेकआउट कर सकते हो. सो फर्स्ट थिंग, 40-45 बिलियन रुपीज की सेल्स दे वांट टू अचीव बाय 2027. एंड यहां पर उनको चाहिए हाई सिंगल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ. एंड यहां पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो उनको चाहिए 18-20% एबिटडा मार्जिन होना चाहिए कंपनी का, एंड 40% प्लस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड 25% प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी होना चाहिए कंपनी का. सो ये सारी चीजें मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है बाय 2027. एंड लेट्स सी दैट क्या ये सारी चीजें सच में कंपनी में होती है या फिर नहीं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड एंड फाइनल चेकलिस्ट विच इज फेयर वैल्यूएशन. एंड यहां पर अगर मैं आपको एक माइंडसेट बताऊं वैल्यूएशन कैसे करते, वैल्यूएशन को डिटरमाइन कैसे करते किसी कंपनी का. सो इफ यू नो द ग्रोथ टारगेट एंड इफ यू नो दैट किस तरह से कंपनी ग्रो होगी इन द फ्यूचर, तो वैल्यूएशन करना एक बहुत इजी प्रोसेस हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी. सो यहां पर जैसे कंपनी ने कहा है दैट बाय 2027 दे वांट टू अचीव 40-45 बिलियन रुपीस की सेल्स. सो 45 बिलियन रुपीस इज अराउंड 4,500 करोड़ के आसपास की सेल्स. सो हम कंजर्वेटिव लेते हैं, 4,000 करोड़ के आसपास की सेल्स लेते हैं बाय 2027 दे विल अचीव. नाउ कंपनी सेइंग दैट 18-20% का एबिटडा मार्जिन दे वांट टू अचीव. 4,000 करोड़ की सेल्स में से अगर आप 18-20% का एबिटडा मार्जिन निकालो और इसका पैट मार्जिन अराउंड हो सकता है 10-12% के आसपास, सो यू कैन सी दैट क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है कंपनी की इन द फ्यूचर इन 2027. अगर आप देखो जुबिलियंट फूडवर्क का पी रेशियो, अगर आप देखो बर्गर किंग का पी रेशियो, अगर आप देखो देवयानी फूड्स का पी रेशियो, एंड अगर आप इन सारे फैक्टर से डिटरमाइन करो दैट एक क्यूएसआर कंपनी को क्या पी रेशियो देता है मार्केट, एंड अगर आप खुद अपना दिमाग चलाओ दैट 2027 में अगर ये सेल्स हो सकती है, ये एबिटडा मार्जिन हो सकते हैं, ये प्रॉफिट मार्जिन हो सकते हैं, तो क्या कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, और उसको अगर आप पी रेशियो दो तो आप एक आइडिया लगा सकते हो दैट कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो सकता है. एंड इस तरह से आप एक वैल्यूएशन खुद के लिए कर सकते हो. मैंने जब ये सारे नंबर्स अपने माइंड में रन किए तो मुझे एक फेयर वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड होती हुई दिखी, एंड दैट्स व्हाई आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेलिंग दैट कब मैं इस कंपनी को सेल करना चाहूंगा. एंड यहां पर थोड़े बहुत रिस्क अटैच हो जाते हैं. द नंबर वन रिस्क इज दैट अगर मैकडोनल्ड्स इंडिया ये टाई अप को ब्रेक करता है, या फिर अगर मैकडोनल्ड्स इंडिया जो रॉयल्टी फीस है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है. राइट नाउ रॉयल्टी फीस इज अराउंड 4.5% के आसपास. अगर मैकडोनल्ड्स इंडिया कहता है दैट मुझे 8-10% के आसपास की रॉयल्टी फीस चाहिए, सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है बिकॉज कंपनी का कॉस्ट बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा. सेकंडली मैनेजमेंट ने जो सारी गाइडेंस दी है, एंड अगर इन बिटवीन 2027 से पहले 2025-2026 में मुझे लगता है दैट जिस तरह से कंपनी ग्रो हो रही है ये सारी गाइडेंस को अचीव करना पॉसिबल नहीं है कंसिस्टेंटली. अगर मुझे ऐसा लगता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बिकॉज आई ट्रैक ऑल ऑफ माई कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे एंड आई डिस्कस दैट विद माई मेंबर कम्युनिटी एज वेल. सो अगर मुझे लगता है दैट ये सारी बातें नहीं हो सकती कंपनी में, जो गाइडेंस है वो मिस कर सकता है मैनेजमेंट, सो आई वुड कंसिडर सेलिंग दिस स्टॉक. सो हाँ दोस्तों, ये कुछ रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से मैं शायद से कंपनी को सेल करने के बारे में सोच सकता हूँ. On that note guys, thank you for being in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel. Milte hain next episode mein, tab tak liye tada.